आपस के मां प्यार करो आज के नहीं रोज लड़ाई आपस में मां प्यार करो प्रेम बढ़ाओ आनंद पाओ देश का उद्धार करो प्रेम बढ़ाओ आनंद पाओ देश का उद्धार करो प्यार करो देश पर पूरी नहीं कोई भी धर्म पूरा नहीं कैसे हमारे धर्म और जाति सभी भले हैं अपना कोई बुराई कर धर्म और जाति सभी भले हैं दीन विकलांग शिशु बीमार के सदा सहाई कर वर्ण दीन विकलांग शिशु बीमार के सदा सहाई कर धर्म और जाति सभी भले हैं मत ना कोई बुराई कर वर्धी दीन बीमार और बच्चा अगर किसी को सहायता करनी है वर्ध दीन विकलांग शिशु और बीमार इन पांच आदमियों की मदद करनी चाहिए। एक हृष्ट पुष्ट आदमी है भीख मांगता तो उसको भीख नहीं देनी चाहिए उसको भीख देना पाप है। दारू
शादी बरात बाल विवाह का ध्यान रख, भ्रूण हत्या अपराध पाप है, इन पांचों का ज्ञान रख। अरे मान रख, अगर मिला कोई विद्वान, विद्वान हो वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। हमारे गुरुजी ने आठ बात और बताई है कि इन आठ बातों का कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, और जिसने घमंड कर लिया उसका सत्यानाश है। अरे कुल लक्ष्मी जाति तप पूजा, शक्ति सुंदरता और ज्ञान, कुल लक्ष्मी जाति तप पूजा, शक्ति सुंदरता और ज्ञान, कह विजय सिंह इन आठों का मत ना करिए तू अभिमान, हो विजय सिंह इन आठों का मत ना करिए तू अभिमान, नहीं पतन ले जान तू को दिन का बता। कुल लक्ष्मी जाति तप पूजा शक्ति सुंदरता और ज्ञान, इन आठ बातों का जिसने घमंड कर लिया उसका सत्यानाश हो जाएगा। कुल का घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ हूं। लक्ष्मी धन का घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना धन है। जाति का घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं इस जाति के अंदर पैदा हूं। तप, मैंने इतनी तपस्या की है, इसका बखान नहीं करना चाहिए। पूजा, कितनी पूजा की है, इसका घमंड नहीं करना चाहिए। शक्ति सुंदरता और ज्ञान, कहते हैं कि घमंड है वो ज्ञान को खा जाता है, और ज्ञान का बखान किया तो वो बुद्धि को खा जाता है।